अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज आपको सैर करवाते हैं जी रूवी स्ट्रीट की। देखिए रूवी में नज़ारे। पहले क्या होता था कि अभी आप देख सकते हैं कि पार्किंग भी फुल नहीं है और क्राउड भी इतना नहीं है, वरना शाम में जो है और स्पेशली वीकेंड पे फुल पैक होता था ये बाज़ार। आपको सभी नेशनल नजर आएंगे, मोस्टली पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग होते थे, इंडियन इसके अलावा भी बाकी तमाम, यानी हर हर बंदा इधर आता था। और इसकी एक रीज़न तो ये है कि एक पूरा बाजार है, आपको शॉपिंग के लिए तो ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा क्या है कि सस्ता भी है, बार्गेनिंग कर सकते हैं आप। यहाँ पे मॉल्स वगैरह में बार्गेनिंग नहीं होती है, आपको पता है, वहाँ पर तो डिस्काउंट का या ऑफर्स का वो सेल का ही इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन इधर क्या है कि आप हर चीज़ के ऊपर बार्गेनिंग कर सकते हैं, एक टॉफ़ी से लेकर चावल की प्लेट तक, और पाँव के सॉक्स से लेकर जराबा तो लाया के सिर की टोपी तक, हर चीज़ बार्गेनिंग जरा कर सकते हो, रेट बढ़ा घटा सकते हो। तो आई मीन यू कैन डू बार्गेन ऑन रेट्स ऑन प्राइजेस। सो इंशाल्लाह खैर, होपफुली आफ्टर दिस कोरोना पेंडेमिक थिंग्स विल बी गुड। सलामत। तो देख लें कि बाजार भी खाली है, पार्किंग भी इतनी नहीं है, वरना क्या होता था कि सिर्फ पार्किंग ही जो है ना वही आपको कहीं मिलती नहीं थी। और यहाँ से सफ़र हुआ है 2 मिनट में, यहाँ तक का आपको 10 मिनट भी लग सकते थे, यानी पहले कोरोना से पहले ऐसी सिचुएशन थी। सो इंशाल्लाह खैर, उम्मीद है कि जल्द हालात ठीक होंगे और मामला जो है वो अपनी पुरानी बल्कि पहले से बेहतर जो है पोजीशन में होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खैर, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमारा ख्याल रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।